सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिस ना करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तत्व में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने 8 स्त्रियों से विवाह किया था जो उनकी पटरानियां बनी थी। आइए जानते हैं उन 8 के नाम और भगवान श्री कृष्ण द्वारा उन 8 के साथ किए गए विवाह की कहानियां। पहली है रुक्मणी। विदर्भ राज्य का भीष्म नामक एक वीर राजा था। उसकी पुत्री का नाम रुक्मणी था। वह साक्षात लक्ष्मी जी का ही अंश थी। वह अत्यधिक सुंदर और सभी गुणों वाली थी। नारद जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन सुनने पर रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से ही विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी के रूप और गुणों की चर्चा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने भी रुक्मणी के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया था। रुक्मणी का एक भाई था जिसका नाम रुक्मी था। उसने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया था। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो वे विवाह से एक दिन पहले बलपूर्वक रुक्मणी का हरण कर द्वारका ले गए। द्वारका पहुंचने के बाद भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह किया गया। दूसरी है जामवती। शत्राजित नामक एक यादव था। उसने भगवान सूर्य की बहुत भक्ति की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे एक मणि प्रदान की। भगवान श्री कृष्ण ने शत्रजीत को वह मणि राजा उग्रसेन को भेंट करने को कहा, लेकिन शत्रजीत ने उनकी बात नहीं मानी और मणि अपने पास ही रखी। एक दिन शत्रजीत का भाई परसेन उस मणि को लेकर जंगल में शिकार करने गया। वहां एक शेर ने परसेन का वध करके वह मणि छीन ली और अपनी गुफा में जा छिपा। कुछ दिनों बाद जामवंत ने शेर को मारकर वह मणि अपने पास रख ली। शत्रजीत ने मणि चुराने और अपने भाई का वध करने का दोष भगवान श्री कृष्ण पर डाला। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उस मणि की खोज करने के लिए वन में गए। मणि की रोशनी से भगवान श्री कृष्ण उस गुफा तक पहुंच गए जहां जामवंत और उसकी पुत्री जामवंती रहती थी। भगवान श्री कृष्ण और जामवंत के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में पराजित होने पर जामवंत को भगवान श्री कृष्ण के स्वयं विष्णु अवतार होने की बात पता चली। भगवान श्री कृष्ण का असली रूप जानने पर जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। तीसरा है सत्यभामा। जब मणि लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुंचे, वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने वह मणि शत्रजीत को दे दी और खुद पर लगाए दोष को गलत साबित किया। भगवान श्री कृष्ण के निर्दोष साबित होने पर शत्रजीत खुद को अपमानित महसूस करने लगा। वह भगवान श्री कृष्ण के तेज को जानता था, इसलिए वह बहुत भयभीत हो गया। उसकी मूर्खता की वजह से कहीं भगवान श्री कृष्ण की उससे कोई दुश्मनी ना हो जाए, इस डर से शत्रजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। चौथी है नग्नजीती। कौशल्य राज के राजा नग्नजीत की एक पुत्री थी जिसका नाम नग्नजीती था। वह बहुत सुंदर और सभी गुणों वाली थी। अपनी पुत्री के लिए योग्य वर पाने के लिए नग्नजीत ने शर्त रखी। शर्त ये थी कि जो भी क्षत्रिय वीर 7 बैलों पर जीत प्राप्त कर लेगा, उसी के साथ नग्नजीती का विवाह किया जाएगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को देख नग्नजीती उन पर मोहित हो गई और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से ही विवाह करने का प्रण ले लिया। भगवान श्री कृष्ण यह बात जान चुके थे। अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 7 बैलों को अपने वश में करके उन पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण का यह पराक्रम देख नग्नजीत ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। पांचवी है कालिंदी। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन के साथ वन में घूम रहे थे। यात्रा की थकान दूर करने के लिए वे दोनों यमुना नदी के किनारे जाकर बैठ गए। वहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन को एक युवती तपस्या करती हुई दिखाई दी। उस युवती को देखकर अर्जुन ने उसका परिचय पूछा। अर्जुन द्वारा ऐसा पूछने पर उस युवती ने अपना नाम सूर्यपुत्री कालिंदी बताया। वह यमुना नदी में निवास करते हुए भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। यह बात जानकर भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी को अपने भगवान विष्णु के अवतार होने की बात बताई।
और उसे अपने साथ द्वारका ले गए। द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण और कालिंदी का विवाह किया गया। छठा है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा ने देवर्षि नारद से भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में कई बातें सुनी थी। उसका मन सदैव भगवान विष्णु के स्मरण और भक्ति में लगा रहता था। लक्ष्मणा भगवान विष्णु को ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उसके पिता यह बात जानते थे। अपनी पुत्री की इच्छा पूरी करने के लिए उसके पिता ने स्वयंवर का एक ऐसा आयोजन किया जिसमें लक्ष्य भेद भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के सिवा कोई दूसरा न कर सके। लक्ष्मणा के पिता ने अपनी पुत्री का विवाह उसी वीर से करने का निश्चय किया जो कि पानी में मछली की परछाई देखकर मछली पर निशाना लगा सके। शिशुपाल, कर्ण, दुर्योधन, अर्जुन कोई भी इस लक्ष्य को भेद न सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने केवल परछाई देखकर मछली पर निशाना लगाकर स्वयंवर में विजयी हुए और लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। सातवीं है मित्रविंदा। उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया था। उस स्वयंवर में मित्रविंदा जिसे भी अपने पति रूप में चुनती उसी के साथ मित्रविंदा का विवाह कर दिया जाता। उस स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण भी पहुंचे थे। मित्रविंदा भगवान श्री कृष्ण के साथ ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसका भाई विंद दुर्योधन का मित्र था, इसलिए उसने अपनी बहन को बल से भगवान श्री कृष्ण को चुनने से रोक लिया। जब भगवान श्री कृष्ण को मित्रविंदा के मन की बात पता चली तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी विरोधियों के सामने ही मित्रविंदा का हरण कर लिया और उनके साथ विवाह किया। आठवीं है भद्रा। भगवान श्री कृष्ण की ऋतुकीर्ति नामक एक भुआ कैकई देश में रहती थी। उनकी एक भद्रा नामक कन्या थी। भद्रा और उसके भाई भगवान श्री कृष्ण के गुणों को जानते थे, इसलिए भद्रा के भाइयों ने उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करने का निर्णय किया। उनकी भुआ और भाइयों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विधि विधान के साथ भद्रा के साथ विवाह किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।